गाइज वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थाट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइज। एंड गाइज अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है अभी। लेट्स सी। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। व्हाट आर द डेक से? एट ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है गाइस, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी। ओके सो सी, यहाँ पर जो साइन है वो है सबसे पहले कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, कर्क मीन वृश्चिक राशि, उसी के साथ यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, ये साइन दिखाई देते हैं। देखो जैसे कि आप बोल रही थी काफ़ी रोमांटिक सी फीलिंग दिखाई देती है। अच्छा अभी यहाँ पर मुझे से दिखाई देता है, देखो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स फाइव ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ऐसा दिखाता है कि दूरियाँ तो आई हैं आप दोनों के बीच में, बात शायद नहीं हो रही है आप दोनों की, तब भी ये परेशान है और इधर ये एनर्जी भी परेशानी वाली दिखाई देती है। तो दोनों एनर्जीज दिखाई देती है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है, बात नहीं हो पा रही है आप दोनों की, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं किसी रीज़न की वजह से, मे बी कोई मनमुटाव चल रहा है या कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद में दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है, और दोनों ही याद कर रहे हैं एक दूसरे को लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है। सपने भी बहुत सारे देखे गए हैं इस कनेक्शन को लेकर के। देखो आपके पार्टनर अभी बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो क्रेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि उनको आपसे बात करनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाई हैं। मे बी हो सकता है आप जो हैं आपका इनके साथ कोई फिजिकल कनेक्शन रहा हो, इंटिमेसी का यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन जो हैं वो सारी चीज़ों को अभी फील कर पा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उन सारी चीज़ों को याद करते हैं, वो जो वक्त वो आपके साथ गुजारा था वो क्वालिटी टाइम, सो मे बी वो इनके दिमाग में बहुत घूम रहा है। और आप ये कह सकते हो कि जैसे किसी इंसान की बार 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 याद आती है, क्रेव करते हैं कि यार बात कर ले, काश बात हो जाए, तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी मैं अगर एनर्जी देखूँ तो मुझे कुछ एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि वो वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, आप दोनों ने सपने भी आई थिंक बहुत देखे हैं, जैसे कि यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल भी है और टेन ऑफ कप्स भी है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे में अपना लाइफ पार्टनर देखते हो, एंड वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच भी रहे हैं कि हम जो सपने कहीं ना कहीं आप दोनों ने देखे थे कि अगर हम शादी करेंगे तो यहाँ घूमने जाएंगे या ये करेंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मे बी कोई बिजनेस का भी कुछ प्लानिंग चल रही हो आप दोनों की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप हर इंसान के सपने होते हैं कि हम अब ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा आपके भी सपने रहे हैं।
मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन पते स्ट्रांगली क्या फील करते हैं, आपके पर्सन स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि अगर आपके साथ वो जुड़ते हैं, अगर आपके साथ रहते हैं, अगर आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ता है, तो वो फाइनेंशली भी काफ़ी ग्रो करेंगे एंड इमोशनली भी ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा रिश्ते में प्यार होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हम दोनों जो है एक दूसरे का सपोर्ट होंगे, और सोच बहुत मिलती है आप दोनों की, एंड आई फील कि फाइनेंशली भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल इनको फ्यूचर क्या दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी, अबेंडेंस, प्यार, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें इनको दिखाई देती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन की आप विश हो। मतलब आपको देख करके इस पर्सन को ये लगता है कि बस ये ही है, जो भी है सारी खुशियाँ यही है। अगर ये पर्सन मुझे मिल जाता है, अगर इस पर्सन को मैं पा लेता हूँ, तो मतलब मेरी लाइफ सेट है, मतलब मेरी लाइफ हर तरीके से, हर जिस भी एंगल से मैं देखूँ बिल्कुल परफेक्ट है। प्यार में के मामले में देखूँ तो भी, फाइनेंशली देखूँ तो भी, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकते हो सेम प्रोफेशन से हो, या फिर ऐसा है कि आप दोनों का माइंडसेट बहुत मिलता है, साथ मिलके कुछ करने का एक जोश है, या एक कह सकते हैं कि साथ कुछ मिलने का साथ कुछ मिलके करने का कुछ मन में है आप दोनों के, एंड प्लानिंग्स है या फिर फ्यूचर को लेकर के कि ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, जिसमें अबंडेंस दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है कि जिस तरीके के आप पर्सन हो, जिस तरीके के आप हो, जिस तरीके की आपकी सोच है, वो इनको ये इनके दिमाग में ये आता है कि यही मेरी विश है, ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था, अब ये कैसे मुझसे दूर हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है उनके साथ हो ये रहा है कि वो दिन और रात आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ आप ही आप उनके दिमाग में घूम रहे हो। वो फिर से वही बैलेंस चाहते हैं जो बैलेंस कभी पहले हुआ करता था कनेक्शन में, उसी बैलेंस को कहीं ना कहीं अभी मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट अभी एक्शन का मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है जैसे कि पीछे घोड़ा है ये यहाँ बैठे हुए, मतलब अभी ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि जो मैं एक्शन लूँ, कहते ना कि ऐसे कैसे मैं तीर चलाऊँ कि सीधा जाके निशाने पर ही लगे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ऐसा मैं क्या करूँ, किस तरीके से जाऊँ या किस तरीके से बातें शुरू करूँ कि चीज़ें ठीक ही हो, खराब ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यादें हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया है, वो इनको बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान है। ये आपसे बात तो कर सकते हैं, ये चाहे जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। ये आपको मनाना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, अगर आप इनसे गुस्सा हो तो कैसे आपके गुस्से को शांत किया जाए, ठंडा किया जाए आपके दिमाग को, और कैसे आपको पहली वाली एनर्जी में लेकर के आया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप बहुत नाराज़ हो, इनके जो इनका बिहेवियर या पिछले कुछ टाइम में जो इनका बिहेवियर और जिस तरीके के एक्शन रहे हैं, आई थिंक उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो आई फील आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के अभी आपने एक चुप्पी सी साध ली कि मुझे कुछ नहीं बोलना, बोल के भी क्या फ़ायदा है, बोलती हूँ तो भी कौन सा क्या हो जाता है, तो बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक चुप्पी सी साध ली है कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पर एनर्जी अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, क्रेविंग दिखाई देती है, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाएंगे, क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि ये आपको मना सके, आपको मना पाए। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। द सन है यहाँ पर, आ जा कर भी, ओके आ जाओ, रेस्ट एंड रेजुवनेशन, द सन, सेकेंड चक्रा, एंड यहाँ पर कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये ऐसे ही रिश्ते को नहीं खोना चाहते हैं बिना किसी कोशिश, बिना कोई कोशिश किए। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मतलब ये एक ऐसी डिफेंसिव एनर्जी में भी जाते हैं कई बार आपके पार्टनर, मतलब
ये बहाने भी बहुत बनाते होंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सारा सच बोला तो मेरी इमेज कहीं ना कहीं डाउन जाएगी, तो बहाने भी बहुत बनाते हैं ये, डिफेंसिव एनर्जी में काफ़ी बारी चले जाते हैं ये। बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि सेकंड चक्र का कार्ड है, फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। और यस, आपकी जो ब्यूटी है वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप मे बी आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, अट्रैक्टिव पर्सन हो, और इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये भी है यहाँ पर। बिल्कुल। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से एक इंसान होता है ना, कि हाँ क्रेजी टाइप एनर्जी होती है ना कुछ लोगों के लिए, कि भाई आप उसके लिए एक हिंदी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दीवानगी, राइट, दीवानापन जिसे हम कहते हैं। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, कि जैसे कि ये चीज़ें शायद हो सकते हैं आपके सामने नहीं आती हैं, या सामने आ नहीं रही है, और अभी भी कैसे आएंगे जब बात नहीं हो रही है तो। लेकिन ये चीज़ है कि ये पागलों की तरह सोचते हैं आपके बारे में, दिन भर आप इनके दिमाग में ऐसे चलते हो जैसे इनके पास कोई और काम ही नहीं हो, तो ऐसा कहीं ना कहीं है इनके एनर्जी में। ओके, पीस इंसान तभी ढूंढता है कि जब इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना, तो इंसान सोचता है यार हैवी फील होता है, अपने सर भी भारी भारी हो जाता है, तो वहाँ पर पीस ही इंसान ढूंढता है। तो ये पीस भी ढूंढ रहा है कि कहीं से थोड़ा सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी फील करते हैं ये सारी चीज़ों की वजह से। कुछ कार्ड्स यहाँ से लेते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये कह रहे हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो इनके लिए, मतलब आपको एकदम परफेक्ट मानते हैं अपने लिए। कभी कभी ये विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते, क्योंकि अभी इतने बेचैन और इतने परेशान हो गए ना ये, इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो जब हम ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ के लिए कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो हम ये सोचते हैं कि जब वो चीज़ मिल भी नहीं रही है, हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, तो मिले ही क्यों, मिलते ही ना। तो ऐसी एनर्जी है, इनको आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको आपकी, यहाँ पर है ये मैसेज है। ओके, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं सोशल मीडिया पे, आई थिंक अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, और हो सकता है इन्होंने किया है शो ऑफ, तो शायद थोड़ा इनको ऐसा लग रहा है अगर ब्रेक हो गया तो फिर क्या बोलेंगे मुझे, कि इतना बढ़ चढ़ के चीज़ें होती थी तुम्हारी सोशल मीडिया पे, आए दिन चलती रहती थी, और अभी क्या हो गया तुम्हारे कनेक्शन को। ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स तो मौका छोड़ते ही नहीं है बोलने का, तो वो भी आई थिंक इनके चल रहा है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और प्रॉब्लम चल रही है कुछ टाइम के, ख़त्म हो जाएगी, हम फिर एक हो जाएंगे, कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है, ऐसी इनकी एनर्जी आती है कभी कभी। इनको नहीं पसंद बिल्कुल भी, आप इनको इग्नोर करते हो तो, आपके मैसेजेस वगैरह भी इनके पास है, रीड करते रहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका वेट कर रहे हैं, ये हाइड करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी इमोशनल साइड को। आई थिंक शायद आपने ये साइड देखी नहीं होगी इनकी, क्योंकि यहाँ पर है वो मैसेज, ये हाइड करते हैं ये चीज़ है यहाँ पर, ये समझ रहे हैं धीरे धीरे करके कनेक्शन को, और आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ इनको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती है, किसी भी चीज़ के लिए इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आप मैटर करते हो, नथिंग एल्स मैटर बट यू, कुछ चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, बाकी चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपसे इनको फ़र्क पड़ता है, आपके एक्शन से इनको फ़र्क पड़ता है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो उससे फ़र्क पड़ता है, आप इनको क्या बोलते हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है कि आपके जो भी चीज़ें हैं इनके लिए, उससे इनको फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये है, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी बात का तो उसके असर नहीं होता, लेकिन असर होता है। ओके, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। सरेंडर कर दो गाइस अपनी सिचुएशन को, कार्मिक क्लींजिंग चल रही है तो इसमें सरेंडर कर देना ही अच्छा है, और अपनी लाइफ पर फोकस करो।
अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने लाइफ पर्पस को फाइंड करने की कोशिश करो। देखो लाइफ पर्पस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो कुछ लोगों का लाइफ पर्पस कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो है लाइफ पर्पस और उनका प्रोफेशन सेम ही होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका लाइफ पर्पस अलग होता है एंड उनका प्रोफेशन अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि इस टाइम पर ना आप जो काम कर रहे हो, देखो आप जो भी काम कर रहे हो क्या उस काम में जो है आपको खुशी मिल रही है, उस काम से आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो आपका एक लाइफ पर्पस है। क्योंकि लाइफ पर्पस ना हमेशा इस ऐसी किसी चीज़ से जुड़ा होता है जो कि जिससे कि किसी और की भी हेल्प हो रही हो, ठीक है। तो अब अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि नहीं आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आपका लाइफ पर्पस, आप अपना प्रोफेशन फॉलो करो बट आपका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा होगा जहां आप किसी की हेल्प करोगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, लाइक उनका प्रोफेशन भी वही होता है और उनका लाइफ पर्पस भी वही होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका प्रोफेशन अलग होता है, वो बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो चैरिटी वगैरह करते रहते हैं। आपने सुना होगा चैरिटी वगैरह उनके चलती रहती है क्योंकि वो उनके लाइफ पर्पस का हिस्सा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस को फाइंड करने की कोशिश करो। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको क्या करने में सुकून मिलता है, आपको क्या करके खुशी मिलती है, आपको क्या करने में मन लगता है जिससे कि किसी का भला हो, चाहे फिर वो एनिमल्स के लिए हो, चाहे वो इंसानों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, चाहे वो नेचर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा आपका, कहीं ना कहीं इमोशंस होंगे और मन करता होगा कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। सो छोटा ही सही, ज़रूरी नहीं लाइफ पर्पस है तो हम कुछ बड़ा करें, छोटा ही सही लेकिन वो करो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है एंड ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सरेंडर कर दो, और क्योंकि ये कार्मिक टाइम चल रहा है सो कार्मिक टाइम की आप ये कह सकते हो कि कर्मा रिलीज कर रहे हो, आप भी, अपने पार्टनर भी, आपके जो पार्टनर है वो भी। तो अब भी इस टाइम को सरेंडर करो, मतलब जितना आप इसको जो है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में लोगे अच्छा रहेगा। एक्शन वैक्शन कुछ नहीं, रिएक्शन वगैरह भी कुछ नहीं, जस्ट छोड़ दो फ्रीली एंड चलने दो, चलने दो, अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।